सियासत में दुश्मन और दोस्त बदलते समय नहीं लगता, लेकिन बिहार की राजनीति में दो ऐसे दुश्मन हैं जो किसी भी मौके पर अपनी दुश्मनी नहीं भूलते। फिलहाल कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, ऐसे समय पर इन दोनों राजनेताओं की दुश्मनी खत्म नहीं हो रही। अगर सुबह लालू किसी मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हैं तो सूरज ढलते ढलते सुशील मोदी उसका जवाब जरूर देते हैं। दोनों के एक ट्वीट का लहजा भी तंज भरा होता है। हम आपको ताजा मामले के बारे में बताते हैं। रविवार को लालू ने ट्विटर पर लिखा, बिहार सरकार अपना नैतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, तार्किक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, न्यायिक, जनतांत्रिक और संवैधानिक चरित्र एवं संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है। लोकलाज तो कभी रहे ही नहीं, लेकिन जनादेश डकैती का तो सम्मान रख लेते। 15 बरस का हिसाब देने में कोनो दिक्कत बा? बस फिर क्या था, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा कि पत्नी को सीएम बनवाने वाले लालू लोकलाज पर ज्ञान न दें। लालू राबड़ी राज में नैतिकता को ताक पर रखकर चारा अलकतरा घोटाले किए गए, सड़क बिजली सिंचाई के विकास की उपेक्षा करना और अपहरण उद्योग को संरक्षण देना उनकी महान आर्थिक नीति का आधार था। लालूनॉमिक्स में काले धन से रंगभेद नहीं किया जाता था। सामाजिक संतुलन का सूत्र वाक्य था, भूरा बाल साफ करो। लोकलाज का आदर्श तो तब स्थापित हुआ जब चारा घोटाला में जेल जाने की नौबत आने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तमाम वरिष्ठ नेताओं को धकियाकर अपनी पत्नी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिन्होंने संविधान, लोकलाज और राजधर्म की मर्यादाएं तोड़ी और वो जेल से ज्ञान दे रहे हैं। सुशील मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने इसी में कांग्रेस को भी लपेट लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिस राबड़ी देवी ने कांग्रेस के सभी विधायकों को मंत्री पद देकर अपनी अल्पमत सरकार चलाई, वो दूसरों को बिकाऊ कह रही है। लालू परिवार इन दिनों इतनी हताशा में है, वो शब्दकोश से खोज खोज कर सरकार की आलोचना कर रहा है। कोरोना संकट के समय अगर आरजेडी नकारात्मकता का लॉकडाउन कर सरकार के प्रयासों में सहयोग देता तो गरीब मजदूरों का ज्यादा भला होता। वो दिल्ली सरकार के झूठे प्रचार पर मुग्ध होते हैं, लेकिन बिहार की पहल दिखाई नहीं देती। बहरहाल इनकी सियासी लड़ाई कब खत्म होगी कब नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।